2 सितंबर 2021 टीवी इंडस्ट्री ने अपने सेलिब्रिटीज और चहेते कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया है। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन की खबर काफी शॉक्ड थी। 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे सिद्धार्थ शुक्ला। बता दें कि बिग बॉस 13 में अपनी को कंटेस्टेंट शहनाज गिल को सीक्रेटली डेट कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पहले दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। दोनों को आखिरी बार बड़े मंच पर बिग बॉस OTT और डांस दीवाने 3 में देखा गया था। शहनाज सिद्धार्थ की पहली बार बिग बॉस 13 के घर में मुलाकात हुई थी। उनकी केमिस्ट्री ने शो को काफी ज्यादा TRP दिलवाई थी। जहां सिद्धार्थ शुक्ला शो के विजेता बने तो वहीं शहनाज भी फाइनलिस्ट बने। इनकी जोड़ी शो में काफी ज्यादा पसंद आई लोगों को। आपको बता दें कि सिद्धार्थ कही जाने वाली इस जोड़ी को फैंस ने काफी प्यार दिया और इसी के साथ शहनाज के लिए स्टैंड भी लेते नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला। आपको बता दें कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का बर्थडे है। अगर आज सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होते तो वो 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते। शायद शहनाज भी उनके साथ होती। खैर, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबके मन में रहेगी। आपको बता दें कि आज हम करने वाले हैं खुलासा सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। दरअसल एक बार ट्रोलर ने ट्वीट कर शहनाज गिल पर निशाना साधा था। एक्ट्रेस को लेकर लिखा था कि शहनाज के साथ दोस्ती सिद्धार्थ शुक्ला को महंगी पड़ सकती है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला को काफी गुस्सा आया था और उन्होंने उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा था, वो जब दोस्ती करते हैं तो महंगा सस्ता नहीं सोचते। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस में भी कई बार कहा था, शहनाज तो मेरे लिए एक सिगरेट जैसी है, मुझे पता है तू मुझे बर्बाद कर रही है लेकिन फिर भी मैं इसे पीता हूँ। सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ये क्यों कहा था। दरअसल सिद्धार्थ ने कहा था कि शहनाज उनसे घर के अंदर लड़ती रहती थी, पूरे वक्त उन्हें उसे मनाना पड़ता था और शहनाज के रूठने से सिद्धार्थ का मूड भी ऑफ हो जाता था। इंटरव्यू में शहनाज ने कहा था कि मैं अपने और सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना करती रहती हूं। आपको नहीं पता, क्या पता हम एक हो जाएं। हमने एक दूसरे को काफी कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखा भी है। लोगों को हमारी केमिस्ट्री इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये केमिस्ट्री सच्ची है। तो ये है पूरी खबर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।